सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं द पाल वर्ल्ड। और भाई आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव है ना, वो ये है कि भाई मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बता पाऊँ कि आप अपना या अपने पाल्स का लेवल कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। भाई उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आप नए पाल्स पकड़ सकते हो और उसके बहुत ही अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन भाई आज जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ वो है एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका जिसमें आप कैप्चर करोगे या फिर इकट्ठा करोगे वो सारे एग्स जो कि इस मैप पे अवेलेबल है। एक एग हमें मिल गया है, दूसरे एग के लिए आपको बताता हूँ जितनी भी ऊंची लोकेशन है, जैसे कि ये जो चोटी बनी हुई है बिल्कुल पत्थर की, जब इसके ऊपर जाते हो ना तो आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आइटम ज़रूर मिलती है। और मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है। तो इसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग। एग तो नहीं पर कुछ और है, आई थिंक ये लाइट मंक का स्टैचू है, पर ये बहुत पावरफुल है। यहाँ से एक बार नीचे उतरते हैं भाई, पीछे एक और चोटी है, हाँ चलते हैं गाइस। बीच में से थोड़ा सा कट कट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। तो मैं आपको सिर्फ वो मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पर आपको एग्स मिल पाएंगे। तो जितने भी आपको ऊंचे पॉइंट दिख रहे हैं ना, जितने भी ऊंचे पॉइंट हैं वहाँ पर आप ज़रूर जाना, वहाँ पर आपको एग्स ज़रूर मिलता है। जब कभी कभी साइड में भी आपको नीचे जैसे कोई पहाड़ी है उसके बीच में भी आपको मिल। यार ये ज़्यादा लंबा जंप हो गया, बिल्कुल चोटी पार कर दी मैंने। वापस चलते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे ओरे के बिल्कुल फार्मिंग है, ऐसे लग रहा है इतने इतने सारे ओरे आसमान से टपके हैं इधर। तो इसको मार्क कर लेते हैं एक बार एक्स से, और भाई इसको कर देते हैं माइनिंग साइट। तो नेक्स्ट टाइम हमें याद रहेगा कि ओरे अगर चाहिए होंगे तो यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ओरे मिल जाएंगे और ओरे से बनाएंगे हम इनगॉट। तो फिलहाल चलते हैं वापस ऊपर। और गाइस अगर हमने ऊपर से जंप ना किया तो ये छूट जाता। तो अभी एक एग ऊपर है भाई, काफ़ी बड़ा एग दिख रहा है मुझे। आई थिंक ये लार्ज स्कॉर्चिंग एग होगा, हाँ भाई ये लार्ज साइज़ है, लार्ज डैम्प एग है ये। ये डैम्प और स्कॉर्चिंग का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो भाई अभी तक जो लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक एक यहाँ पर ये यहाँ पर मुझे एग मिल चुके हैं, ये है चौथी लोकेशन, यहाँ पर हमें एग मिल रहा है अभी। ये लार्ज डैम्प एग भाई, डैम्प और स्कॉर्चिंग का किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना यार क्या मीनिंग है इनका। एक बिल्कुल सामने की तरफ चोटी पर, ग्रीन वाली चोटी पर दिख रहा है, ये तो कॉमन एग है। कॉमन एग तो मेरे को पता है कॉमन का मतलब कॉमन ही होता है, बट स्कॉर्चिंग का क्या मीनिंग है बताओ यार, कोई कमेंट करके बताना। तो भाई ये है हमारा कॉमन एग, कॉमन एग मैंने ले लिया है। भाई यहाँ पर एक नीचे पहाड़ की तरफ ना कुछ नीचे दिख रहा है डॉट डॉट सा, दूर से तो डॉट ही दिख रहा था बट पास आते जाते जैसे लग रहा है जैसे एग है, वो एग ही है। एंड ये है भाई डार्क एग, डार्क एग भाई, डार्क एग मिला है इस लोकेशन पे। डार्क एग के बाद मुझे यहाँ आसपास तो कोई लोकेशन नहीं दिख रही, यहाँ पे कुछ मिलेगा हमें सामने की तरफ पहाड़ी पे चलना चाहिए। तो यहाँ से जाएंगे हम ऊपर किसी लोकेशन पे, जो नीचे कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे सामने चलना है। चल ऊपर, सामने मुझे एक लोकेशन पे दिख रहा है एग, अगर वो सच में एग है तो। पर इसके लिए भी थोड़ा सा आगे और जाना पड़ेगा, लखनऊ का स्टैचू बाद में लेंगे। यहाँ से थोड़ा उड़ के चलते हैं यार, ये चढ़ने का मन नहीं है मेरा। तो भाई आपके एक उड़ने वाला और एक दौड़ने वाला पोकेमॉन होना चाहिए, वरना फिर इजी नहीं रहेगा ये सारी चीज़ें आपके लिए। और हो सकता है एग लेने के चक्कर में आप खुद ही पेटी बन जाओ, मतलब मर जाओ गिर के। एक मुझे मिला भाई यहाँ पर येलो वाले एरिया के बिल्कुल पीछे, यहाँ पीछे भी है कुछ, एग तो नहीं है बट हमारी खजाने की पेटी है, ट्रेजर हंट। ये खजाने की पेटी भी मिली भाई हमें। ये याद रखना, अगर आप चाहो तो ये वाली लोकेशन भी मार्क करके रख सकते हो भाई यहाँ पर आपको क्या मिला है, क्योंकि ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होती है। भाई यहाँ पर भी एक लाइक लार्ज एग है, लेकिन एक सिंडिकेट ठग है नीचे, इसको मारने की ट्राई करें। भाई पता नहीं, जब मैं पाल के ऊपर बैठा होता ना तो अटैक बहुत वीक होते हैं मेरे, और जब पाल को अकेला छोड़ देते तो भाई वो बहुत तगड़े अटैक करता है। फिलहाल ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करते हुए नीचे उतरते हैं, आई थिंक हमें अंडा वैसे मिल जाएगा यार। तो भाई लार्ज डैम्प एग मिल गया, डैम्प एग है सिर्फ, लार्ज एग नहीं है भाई। अब हमें आना है ये जो सामने वाली चोटी है ना, इसके ऊपर जाना है हमें। इसके ऊपर जाने के लिए हम जाते हैं सीधा लोकेशन पे, इसकी जड़ में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और खजाने की पेटी है, इसको उठा लेते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है ये वाला पहाड़। एंड गाइस अगर अभी तक की वीडियो आप देख रहे हो और वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है और कुछ काम आएगी आपके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। भाई ऐसी वीडियोस में बहुत सारे लेकर आता रहता हूँ।
एंड इनकेस अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए मैं वो भी बना दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई ये सी टाइप का जो आपको दिख रहा है येलो कलर का सी है, इसके बीचों बीच मिला मुझे। एंड फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना जितनी भी चोटियाँ हैं वहाँ पर ज़रूर आपको। भाई ये एक बियर के लास्ट के दोनों पैर हवा में कैसे हैं भाई, ये तो अजूबा चल रहा है बिल्कुल। भाई यहाँ पे एक चोटी वहाँ सामने है, एक चोटी यहाँ पर सामने है, इसमें भी एग है, ये वाला लेने चलते हैं। ये है डार्क एग। भाई डार्क एग मुझे लगता है बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसमें से डार्क पोकेमोन निकलते हैं भाई। लेकिन लोकेशन देख रहे हो, ओवरऑल इस गेम की ग्राफिक्स लोकेशन कितनी प्यारी है भाई, पत्थर कितने रियलिस्टिक लगते हैं, पानी कितना रियलिस्टिक लगता है, लेकिन ये घास जिस पे चल रहा है बस बनना थोड़ा सा कार्टून टाइप का, बट बाकी सब कुछ ओरिजिनल लग रहा है यार। इंसान घूम रहे हो तो ओरिजिनल ही लगेगा। ये आ गया है हमारा स्कॉर्चिंग एग। स्कॉर्चिंग एग मुझे लग रहा है ये आग वाले को बोलते होंगे, हॉट वाले को। नीचे मुझे एक येलो कलर का डॉट दिख रहा है, मीन्स ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक एग। छोड़ देते हैं। ओ भाई अब बहुत ज़्यादा ऊपर से पूछे तो पावर हुई आधी सीधा। आई थिंक इतने एग काफ़ी रहेंगे, इससे ज़्यादा और हमें नहीं चाहिए। अब हमें चलना चाहिए बेस पर, इससे ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। तो बेस पर आकर रात को मैं सो गया था। उसके बाद अब हमारा जो मेन काम है ना वो है ये कि भाई अब हम जितने भी एग लेकर आए हैं इनको हमें इंक्यूबेट करना है। कि एग लाकर रखना इज़ नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू डू, आपको भाई उसमें से पाल निकालने भी पड़ेंगे। तो इतने सारे अंडे हमारे पास हो गए इकट्ठा, और ये सारे के सारे अंडों के अंदर से निकलेंगे पाल, जो कि आपकी हेल्प करेंगे अभी बहुत तगड़ा पॉइंट देने में। तो भाई वो पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे आपका लेवल इंक्रीज़ करने में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई किस किस लेवल पर मैं हूँ और कितने मेरी पावर चल रही है। पहले एग लगा दिया मैंने, पहले एग्स लगा लेते हैं फिर मैं आपको आराम से दिखाता हूँ तो मेरी पावर कितनी चल रही है। लास्ट एग मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ये लास्ट है। हाँ कोई भी कर लेगा। हाँ तो भाई तो जितने भी लाइक एग इनक्यूबेटर है ना वो सारे के सारे मैंने भर दिए हैं, अभी किसी में जगह बची नहीं है। तो फिर अब हमें बस वेट करना है इनके कम्प्लीट होने का, जिसके लिए हम स्किप कर सकते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का। उसको हम करेंगे स्किप, थोड़ा सा घूम के आता हूँ तब तक हो जाएगा। और फिर टाइम काटने के लिए मैं आ गया था दूसरी पार्टी पर। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे जो एग इंक्यूबेटर हैं वो चमक रहे हैं। तो चमकने का मतलब होता है भाई एग इंक्यूबेशन हो गया है कम्प्लीट, और उसके अंदर पाल है बिल्कुल रेडी निकलने के लिए। भाई दिन के टाइम में ना मेरा बेस बहुत सुंदर लगता है, रात को नहीं दिखता बस ठीक से। दिन में बहुत सुंदर बेस बनाया मैंने दिन के टाइम के लिए। तो भाई यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं पहले वाले से। अभी मेरी जो पावर है ना वो है 28,000 पॉइंट बाकी हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, और 30th लेवल पे मैं हूँ। तो ध्यान देना लास्ट में कितना बच जाता है। इसको मैंने इंक्यूबेट किया भाई, इसके मुझे मिले हैं सीधा 2171 पॉइंट्स। आप लेफ्ट साइड का कॉर्नर में देख सकते हो 28,000 पॉइंट बाकी थे, इसके भी मिले हैं 2,000 पॉइंट्स 2200। इस वाले को देखते हैं भाई, इसके भी मुझे मिले हैं 2200 पॉइंट, क्योंकि 4400 हो गए दोनों को मिला के। आई मीन अमेजिंग यार, कुल मिला के 8,000 पॉइंट, 6,000 पॉइंट मिल चुके हैं मुझे तक। एक ये है, इसको भी कर लेते हैं। लूपी मिला है 2,000 पॉइंट 2,200। एक एथ डियर मिला है, इसके भी 2,200 पॉइंट्स। तो भाई आपको पता है पूरे पालवर्ड में 2,000 पॉइंट आपको एवे ही नहीं मिलेंगे, आपको ऐसी कोई चीज़ करनी पड़ेगी तब आपको इतने हैवी पॉइंट मिलते हैं। तो भाई इन्हीं पॉइंट्स से आप लोग अपना लेवल अप कर सकते हो बहुत ईजिली और बहुत जल्दी। भाई थोड़ा सा टाइम और बचा है, ये बचा है इलेक्ट्रिक एग, अंडा हिल रहा है, अंदर डेजी निकली है इसमें से। भाई डेजी के निकलने के बाद अभी उगारा हो गया है, जो पॉइंट सिस्टम है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे पॉइंट बचे हैं 12,000, अभी हमें पहले जीते 28,000, 16,000 पॉइंट हमें कुछ एग से मिल गए हैं। एंड आई एम श्योर ये पॉइंट आपको आई थिंक 10 पोकेमोन पकड़ने से भी नहीं मिलते। तो एग इंक्यूबेशन हमारा बन जाता है सबसे अच्छा ऑप्शन पाल का, पाल वर्ल्ड में पाल्स का, और प्लेयर का रैंक बढ़ाने का या लेवल अप करने के लिए। तो भाई फ्लेमेबल मिला है, फ्लेमेबल मिला मुझे 2,300 पॉइंट मिले इसको। आई थिंक एक और होना चाहिए जो हो गया रेडी, ये लास्ट वाला, ये भी आई थिंक वही होगा, फ्लेम्बल ही, फ्लेम्बल ही मिला है भाई, और इसके भी मिले मुझे 2,300 पॉइंट। अब कुल मिला के हमारा जो बैलेंस बच गया था वो बच गया था 8,000 पॉइंट का। तो भाई अब हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप अपना लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। आई थिंक केक बहुत ज़रूरी है इस गेम में, उसकी बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाय बाय, अपना रखिए ध्यान, आप सबको राम राम।